महिला बच्चे जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हो, मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने मंच पर अपनी बात रखी, मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं क्या परिस्थितियां पैदा हुई, राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजा के आदरणीय नारायण सिंह जी का आप स्वागत करें। आदरणीय हेमराम चौधरी साहब, सम्मान्य राजेंद्र गुडाल जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब, खिलाड़ी बैरवा साहब, सुरेश मोदी जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, मुकेश भागर जी, राम निवास गावड़िया जी, गिरिराज मलिंगा जी, इंद्रराज गुजर साहब, जी आर खटाना जी, वीरेंद्र चौधरी साहब, अमर सिंह जाटव साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, वेद सोलंकी जी, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई साहब, महेश शर्मा जी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह इड़वा जी, हमारे यूनिवर्सिटी के नौजवान अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, लक्ष्मण गाता जी, सरोज मीणा जी, जालौर से अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, चुनेला राजपुरोहित जी, ओम प्रकाश मामू जी, शेर सिंह सुपा साहब, विद्याधर जी, महेंद्र सिंह रलावता जी, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा साहब, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, भीमराज भाटी साहब, गजेंद्र सांकला जी, अजय बोरा जी, पूर्व विधायक नमल किशोर मीणा जी, शोभा सोलंकी जी, पूर्व विधायक रामनारायण जी, विजय जैन साहब, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी, मुकेश शर्मा जी, पूर्व पार्षद सुभाष मील साहब, मनीष यादव जी, आबिद कागजी साहब, ओम बिश्नोई जी, और इस जनसंघर्ष यात्रा के समापन में आज आप सब लोग, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हो, मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने मंच पर अपनी बात रखी, मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूँ क्या परिस्थितियां पैदा हुई, राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला। आप सब जानते हो, जब 2013 में हमारी सरकार राजस्थान से हटी थी, उस समय 200 में से कांग्रेस के मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का अध्यक्ष बनना है। और इतिहास गवाह है, मंच पर तमाम हमारे साथी बैठे हैं, आप सब ने देखा 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया, और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मान्य गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। आरोप लगाए कि नहीं लगाए मुझे बताओ। जब सरकार हमारी बनी, अभी हेमराम चौधरी साहब बता रहे थे, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था
कि जो हमने कहा उसको कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। मैं 1.5 साल पहले से उनको चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है। मैंने चिट्ठी में आग्रह किया कि जांच कराओ, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पता पड़े किसने क्या किया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जयपुर के अंदर एक दिन का अनशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख को मुझे लगा अनशन से पार नहीं पड़ी, हमें जनता के बीच जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है साथियों, दोस्तों, ये समाज को दीमक की तरह खा रहा है। अभी मन से बात कर रहे थे, नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में है, अगर पेपर लीक होता है तो करप्शन की वजह से होता है, भ्रष्टाचार की वजह से होता है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बनी हुई है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। 11 तारीख को अजमेर से, अजमेर आरपीएससी का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, वहां पर पेपर बनते हैं, वहां से शिक्षा परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, नौकरियां लगती हैं। इसलिए अजमेर जो वहां से 125 किलोमीटर दूर है, वहां से मैंने यात्रा शुरू करी। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला, यात्रा कर रहे हो, गर्मी बहुत है, मई का महीना है, बहुत पीड़ा होगी, 4-5 दिन धूप में चलोगे, बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। मैंने उनको कहा, हम और आप अगर 3-5 दिन इस चिलचिलाते धूप में चल लें, ये कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन वो लड़का लड़की जो पढ़ लिख कर 1-2 साल मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और किराए के मकान में रहकर लाखों रुपया खर्च कर एग्जाम लिखने जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। अरे बार बार होता है, क्यों होता है, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पेपर लीक करने वाले दलाल के, एक पेपर लीक करने वाले दलाल के किराए के मकान पर बुलडोजर चलता है, लेकिन जो कटारा और गिरफ्तार किया है उसके मकान पर क्यों नहीं चलता बुलडोजर? कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। मछली छोटी हो या बड़ी हो, उसे तो पकड़ना पड़ेगा। गुड़ा जी के यहां पर हमने किसान सम्मेलन किया, केंद्र की सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने की बात करी थी, आज तक कुछ किया नहीं। ये बीजेपी वाले भी जो है, ये बहुत झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। हमने उनको ललकारने के लिए झुंझुनू के अंदर एक आम सभा करी, वहां मैंने कहा, नागौर में इस बात को मैंने बोला, भाई ये पेपर लीक होता कैसे, ये पेपर लीक तिजोरी से निकलकर लोगों की जेब तक कैसे पहुंचता है, इसमें भ्रष्टाचार होता है, ये पूरा तंत्र इसको बदलना पड़ेगा। तब कहा गया कि इस पेपर लीक जांच में कोई अधिकारी शामिल नहीं है, कोई नेता शामिल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जांच पूरी हुई नहीं, आप घोषणा कर रहे हो कि कोई किसी का कोई लेन देन नहीं है। अभी कटारा को आपने अरेस्ट कर लिया, ये कटारा जो सदस्य बने आरपीएससी के, किसके कहने पर बने उसका पता करना पड़ेगा। ये आसमान से तो आए नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा नौजवानों के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। मैं तो साथियों आपसे कहना चाहता हूं, इस यात्रा में हम निकले, इस यात्रा का जो संकल्प था
जनसंघर्ष यात्रा का, वो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराना था। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको समाप्त करने का हमारा उद्देश्य था। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं अजमेर से निकला था, बड़ी गर्मी थी, बहुत से लोग बोलते थे हो सकता है कुछ लोग यात्रा में ना जुड़ पाए, और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सचमुच सच सच जवाब देना। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, आप सच सच बताना, क्या आपको इस जयपुर की सभा में आने के रोकने के प्रयास हुए, हां कि ना? इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि यही वसुंधरा जी की सरकार में मैंने 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की पदयात्रा, किसान न्याय यात्रा निकाली थी। उस समय भी उस समय की सरकार ने बहुत कोशिश की, कलेक्टर, एसबी, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी, मास्टर, पूरे सरकार का महकमा लग गया था लोगों को रोकने के लिए। लोग रुके नहीं, किसान यात्रा हुई और उस सरकार को हमारे किसानों की मांग को मांगना पड़ा। साथियों, हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है, और हम इसमें रुकने वाले नहीं है। अभी आपने भाषण सुना आदरणीय हेमाराम जी का, कुछ दिन पहले हम सब बाड़मेर गए थे, और हेमाराम जी बहुत कम बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, लेकिन आज मैं उनका भाषण सुन रहा था। ये कहां की नीति है, अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, शासक बैठता है कुर्सी के ऊपर, उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं, उसको न्याय करना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है, अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दूध और पानी का पानी, आजकल नींबू दूध बहुत चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तो हमारे विरोधी बोलेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला मुझे बताओ? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी गया है? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया, मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो, और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, राजस्थान के अंदर हर साल 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां सरकार द्वारा जो एग्जाम होते हैं वो लिखते हैं। हर बच्चा बच्ची तैयारी करता है, उसके माँ बाप पेट काट कर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। गांव से जो बच्चा आता है जयपुर पढ़ने के लिए, वो क्या खर्चा करता है किताब में, ट्यूशन में, कोचिंग में, पैसे में, खाने पीने में, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा वो करते हैं।
लाख रुपए साल का खर्च होता होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए, जिनकी उम्र निकल गई, जिनके मन में मायूसी आ गई, नौजवान के मन में अगर मायूसी आ जाएगी तो देश का भविष्य बेहतर नहीं है। ये जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के कलेजे में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वास दिलाने के लिए है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, रास्ते निकलेंगे, भविष्य बेहतर होगा। आदरणीय दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने जो मांग रखी है, जो अपार जन समर्थन मिला वो मुझ व्यक्ति को नहीं मिला, मैंने जो मुद्दे जनता के सामने रखे हैं ये समर्थन उसको मिला है। ये समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार करने को मिला है, ये जन समर्थन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मिला है। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है, राजस्थान के लोग बहुत समझदार लोग हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अखबार में क्या छपता है नहीं छपता, टेलीविजन पे क्या दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन ये जनता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को एक वादा करना चाहता हूं, साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, मुझको और मेरे परिवार को राजनीति में 40-45 साल हो गए। अब नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मुकेश जी, ये नेट पैक सब फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो। 20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का, केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले, लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारी कमाई है, ये जनता का विश्वास है, इस पे तुम कितने भी आरोप लगा लो, कितनी भी चुगली कर लो, कितनी भी अफवाह फैला लो, आप लोग इन बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे। मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं साथियों, इस यात्रा में बहुत सारे साथी हमारे साथ चले, मैं आप सबको आश्वासित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं अब सबके सामने, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए लड़ा हूं और So you heard it from Sachin Pilot there attacking Ashok Gehlot. Of course, once again goes on to reiterate his demand, his long-standing demand on how the Rajasthan government should act in the alleged corruption cases during the previous Vasundhara Raje-led BJP government in the state. He says, I will continue to fight for the cause till the very end. उस बच्चे की क्या गलती मैं पूछना चाहता हूँ? उस नौजवान ने क्या बुरा किया? इसलिए हमारी सरकार, हम लोग, छालों की कसम, मैं आप पीछे हटने वाला नहीं हूं, आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए है, राजनीति सिर्फ पत्थर बैठने के लिए है। नौजवान दर्द पर लटका रहे, हम सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे ये संभव नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूं। अभी चुनाव हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है,
जनता ने आरोपों को स्वीकार किया, कांग्रेस को बहुमत दिया और भाजपा को मैदान से भगा दिया। ये भ्रष्टाचारी वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। हमने भी किया था राजस्थान में, लेकिन अब कोई सफाई दे रहा है? दूध और नींबू कोई कह रहा है? कितनी बार बात हुई? 10 बार हुई, 15 बार बात हुई, 20 बार बात हुई? अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मिली भगत है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि हमने अपनी जबान से जो वादा किया लोगों के बीच में, उसको कृपया करके पूरा कर दो। जनता के बीच जाना है हमारे को 6 महीने के बाद। इतने सारे लोग यहां धूप में खड़े हैं, यहां आप लोग सच में मेरी ताकत, हम सबके हिम्मत और जो मंच पर लोग बैठे हैं, हम सब आपके सेवक हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सच और न्याय का रास्ता उस पर हम चलते रहेंगे। अब दोस्तों, वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हम लोगों ने, उसको पूरा करने का समय आ गया। अभी वेद सोलंकी जी भाषण दे रहे थे, वेद बहुत जज्बाती व्यक्ति है। मैं वेद जी आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पेपर लिखे उनके पेपर कैंसिल हो गए, लीक हो गए, उन लाखों बच्चों ने अपने मां बाप के पैसों को जो खर्च किया, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, अगर बच्चा मेहनत करके पेपर लिखता है और पेपर आउट हो जाता है, उस बच्चे की क्या गलती है मैं पूछना चाहता हूं? उस नौजवान ने क्या बुरा किया? इसलिए हमारी सरकार, हम लोग, ये मैं मांग करता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, प्रत्येक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है, आरपीएससी में जो आज जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है, आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवान का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो यह आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप? मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है? एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से, आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आई भी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को बंद कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खनाल बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें, आरपीएससी को बंद कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी।
आज तारीख हो गई 15 तारीख, इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है, आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है, महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में पानी में शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है, और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम लोगों ने, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब याचना नहीं ऋण होगा, तो बड़ी भीषण होगा। और जो हमारे साथी हमारे न्याय के मांग के उत्तर में बोलेंगे कि गुटबाजी, अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन, मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और AICC ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया, लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के गाली खा के खून के घूट पी के जनता में जाकर संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा के गाली दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो, यह होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है, मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कृपा करके शांति से अपनी जगह बैठे और आराम से सभा को समाप्त होने दें, कोई कोशिश भी करे हमें उत्तेजित नहीं होना है। ये बात ध्यान रखना, हम लोग जिस विचारधारा से बंधे हुए हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा है, प्यार मोहब्बत अपनापन भाईचारा, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। और मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, हमको एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं, ये फला धर्म का है, फलाने जिले का है, फलाने समाज का है, तो कान खोल के सुन लो, मेरी रगों में लाल खून है और मैं इस 36 कौम का बेटा हूं और इस प्रदेश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इसलिए आपसे निवेदन, शांति बना के रखो, जो भी करना होगा संयम से करेंगे, आत्मविश्वास से करेंगे, आपने अपने लिए हमारे लिए जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज की सभा जब समाप्त हो तो कृपया करके शांति और भाईचारे से इस सभा को समाप्त करें। आप सब लोगों का जो मंच पे खड़े हैं वो हम सब नतमस्तक हैं आपके आगे, और जो सभा में दूर दूर पे खड़े हैं मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं, आप लोगों ने
जो हिम्मत और ताकत दी है वो हमारे हाथों की शक्ति है। हम आपको कभी नीचा नहीं देखने देंगे, वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। राम राम सर। मैं चौधरी नान सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद के लिए। सो क्लियर।